जैसा कि मैंने आपको बताया था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड होता है मैनुअल बीआरएस और सेकंड मेथड होता है ऑटो बीआरएस। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने मैनुअल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करना सीख लिया है, साथ ही साथ ओपनिंग बीआरएस किस तरह से काम करता है वो भी हमने जान लिया है। इस क्लास में हम ऑटो बीआरएस तैयार करना सीखने वाले हैं। टेली प्राइम में ऑटो बीआरएस मीन्स ऑटोमेटिक बैंक समाधान विवरण तैयार करना बहुत ही आसान है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमें कुछ स्टेप्स में काम करना होता है। पहले स्टेप में हमने जो बैंक लेजर क्रिएट किया है उसमें हमें ऑटो रिकंसिलिएशन से संबंधित ऑप्शंस को एक्टिवेट करना होता है। दूसरी स्टेप में हमें अपने बैंक पोर्टल से नेट बैंकिंग के माध्यम से लॉगिन करते हुए बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करना होता है और उन्हें अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्पेसिफाइड फोल्डर्स में स्टोर करना होता है। थर्ड स्टेप में उस बैंक स्टेटमेंट को जो हमने डाउनलोड किया है उसे टेली में इंपोर्ट करते हुए हमने जो ट्रांजेक्शन पोस्ट किए हैं उन्हें मैच करना होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम अपने बैंक लेजर को ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन के लिए तैयार करेंगे। उसके लिए जो हमने यहाँ पर बैंक का लेजर तैयार किया है उसमें आप नीचे की तरफ देखेंगे बैंक कॉन्फ़िगरेशन का जो सेक्शन है उसमें लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अनेबल ऑटो रिकंसिलिएशन। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। जैसे आप इस ऑप्शन को यस करेंगे एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा सेट अल्टर ऑटो रिकंसिलिएशन कॉन्फ़िगरेशन। इस ऑप्शन को भी आपको यस करना है। जैसे आप इसे यस करेंगे तो आपको फोल्डर पाथ ऑफ न्यू बैंक स्टेटमेंट जो बैंक की पोर्टल से हमने स्टेटमेंट डाउनलोड किया है उसका पाथ हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। इसी तरह से नीचे फोल्डर पाथ फॉर इम्पोर्टेड बैंक स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट टेली के अंदर इम्पोर्ट होंगे उनके लिए भी हमें एक पाथ को स्पेसिफाई करना होगा। तो इन दोनों पाथ को सेट करने से पहले हमें दो अलग अलग फोल्डर्स यहाँ पर क्रिएट कर लेने हैं। मैंने अपना एक बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लिया है और उसे न्यू बैंक स्टेटमेंट नाम से एक फोल्डर में स्टोर कर लिया है। ये हमारा बैंक स्टेटमेंट है। और दूसरा एक फोल्डर हमें और क्रिएट करना है इम्पोर्टेड बैंक स्टेटमेंट के नाम से, और इन दोनों के पाथ हमें टेली में स्पेसिफाई करने सेट करने हैं। अब टेली में लोकेशन को सेट करने के लिए, पाथ को सेट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। हमने अपनी डी ड्राइव में दो फोल्डर क्रिएट किए हैं। फर्स्ट जो फोल्डर है न्यू बैंक स्टेटमेंट के लिए, तो ई ड्राइव को आप एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पर आपको सारे फोल्डर्स के नेम दिखाई देंगे। यहाँ से न्यू बैंक स्टेटमेंट जो फोल्डर हमें दिखाई दे रहा है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन नीचे की तरफ जो इम्पोर्टेड बैंक स्टेटमेंट का पाथ सेट करना है उसके लिए भी सेम सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ई ड्राइव। आपने जिस ड्राइव में फोल्डर्स क्रिएट किए हैं उस ड्राइव को आप सेलेक्ट कीजिएगा और अप्रोप्रिएट फोल्डर को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो पाथ ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। देन बैंक लेजर को आपको सेव कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हम गेटवे मोटेली में खड़े रहते हुए यूटिलिटी सेक्शन में दिए गए बैंकिंग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स और उसमें अकाउंट्स बुक्स में कैश और बैंक बुक में जाते हुए बैंक के लेजर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर सारी एंट्रीज हमने पोस्ट कर दी है और बैंक रिकंसिलिएशन के लिए ऑल्टर के साथ आपको आर प्रेस करना है। अब ऑटो बीआरएस बनाने के लिए जो बैंक स्टेटमेंट अभी बैंक की पोर्टल से डाउनलोड किया है उसे हमें टेली में इंपोर्ट करना होता है, और टेली में इंपोर्ट करने के लिए हमें शॉर्टकट कमांड अल्ट ओ या इंपोर्ट मेनू का यूज़ करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा बैंक स्टेटमेंट। इस ऑप्शन के माध्यम से हमने जो पाथ स्पेसिफाई किया था न्यू बैंक स्टेटमेंट के लिए वहाँ पर जो भी स्टेटमेंट उपलब्ध होंगे उनकी लिस्ट आपको दिखाई देगी। अभी वहाँ पर एक स्टेटमेंट रखा हुआ है तो वो स्टेटमेंट वाली फाइल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इंपोर्ट करते समय हमारे पास बटन बार पर दो ऑप्शन और हमें दिखाई दे रहे हैं विदाउट व्यू और विथ व्यू। यदि आप अपने बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करते समय बैंक ट्रांजेक्शन को देखना चाहते हैं तो आप विथ व्यू अल्टर के साथ बी प्रेस करते हुए विथ व्यू कमांड को यूज़ कर सकते हैं। और हाइड इंपोर्टेड, जो भी आपने बैंक स्टेटमेंट पहले इंपोर्ट किए हैं उन्हें आप हाइड रखना चाहते हैं तो आप ऑल्ट एच कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने विथ व्यू वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। देन जैसे ही मैं इस बैंक स्टेटमेंट वाली फाइल पर एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे सामने हमारी स्क्रीन पर इस बैंक स्टेटमेंट में जितनी भी एंट्रीज हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगी। अब हमें इन एंट्रीज के माध्यम से अपनी एंट्रीज को मैच करवाना है, तो यहाँ से फिर से हम एंटर प्रेस करना है। लास्ट में आपको एक मैसेज दिखाई दे रहा है टोटल एंट्रीज इन बैंक स्टेटमेंट 17 रिकंसाइल्ड 0 एडिशनल बैंक एंट्रीज 17। इट मींस हमने जो भी एंट्रीज अपने सिस्टम में पोस्ट की है अपनी कंपनी में पोस्ट की है उनमें से एक भी एंट्री बैंक स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि बैंक स्टेटमेंट में जो भी ट्रांजेक्शन हैं वो ट्रांजेक्शन्स हमारी बुक्स में जो हमने ट्रांजेक्शन पोस्ट की हैं उनके लेजर से मैच करने चाहिए, तभी वो एंट्रीज ऑटोमेटिक रिकंसाइल होंगी। अदरवाइज हमें एंट्रीज को रिकंसाइल करवाना होगा। आइए देखते हैं किस तरह से हम रिकंसाइल करेंगे।
ऊपर की तरफ जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे ट्रांजेक्शन है जो हमने इस कंपनी में पोस्ट की हैं, और नीचे की तरफ आपको अलग से एक सेक्शन दिखाई दे रहा है अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन कंपनी बुक्स, ये सारे बैंक के ट्रांजेक्शन हैं। अब एक एक करके हम इन्हें रिकनसाइल कर सकते हैं या फिर एक साथ इन एंट्रीज को रिकनसाइल कर सकते हैं। उसके लिए साइड में जो बटन बार है इस पर आपको बहुत सारे कमांड्स दिए गए हैं, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑल्टर के साथ आर रिकनसाइल ऑल अनलिंक्ड। ऐसे सारे ट्रांजेक्शन को हम रिकनसाइल करना चाहते हैं जो अभी तक किसी भी ट्रांजेक्शन से लिंक नहीं है, तो अल्ट के साथ आर हम प्रेस करेंगे और वन बाय वन ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली मैच होने लगेंगे। जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन था 764 रुपीज़ का वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम देख सकते हैं हाँ यही ट्रांजेक्शन है, ये मैच कर रहा है, देन हमें उसे एंटर प्रेस करना है। नीचे आपको सक्सेस का मैसेज दिखाई देगा, रिकनसाइल सक्सेसफुली, फिर से एंटर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिखाई देगा। बारी बारी से आप एक एक ट्रांजेक्शन को एंटर प्रेस करते हुए मैच कर सकते हैं। अब 1000 रुपीज़ के तीन ट्रांजेक्शन हैं और ऊपर हमें दिखाई दे रहा है जेएस फिलिंग स्टेशन, इट मीन्स ये हमारा पेट्रोल एक्सपेंसेस का ट्रांजेक्शन है जो कि इस फर्स्ट ट्रांजेक्शन से मैच करता है। इसे हम सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे, रिकनसाइल सक्सेसफुली, देन फिर से 764 ये ट्रांजेक्शन भी हमारी बुक में है, इसे भी हम रिकनसाइल कर लेते हैं। देन फिर ये रिफंड की एंट्री है वो भी हमारी बुक में है, इसे भी रिकनसाइल कर लेते हैं। जो जो एंट्रीज हमें मिलेंगी वो हम एंटर प्रेस करते हुए इस तरह से रिकनसाइल करते चलेंगे। तो वास्तव में यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक स्टेटमेंट में जो भी एंट्रीज हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ हमारी बुक में जो एंट्री मैच कर रही है वो टेली हमें शो कर रहा है, हम उन्हें एंटर प्रेस करते हुए रिकनसाइल कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई एंट्री अगर बैंक स्टेटमेंट में है जो हमारी बुक में नहीं है तो उस एंट्री को हम स्किप भी कर सकते हैं, ऑल्ट बी उसका कमांड है, ऑल्ट बी से आप उस पर्टिकुलर एंट्री को स्किप कर सकते हैं। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, एंटर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी मैच कर रहा है। अब एक ट्रांजेक्शन है सी ए कीपिंग चार्जेस, ये यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट में है लेकिन हमारी बुक में नहीं है, यहाँ से हम इसे ऑल्ट एस से स्टॉप कर सकते हैं और बाहर आकर देखते हैं कि दो एंट्रीज ऐसी हैं जो बैंक स्टेटमेंट में है लेकिन हमारी बुक में नहीं है। उनका ट्रांजेक्शन एक तो है सी ए कीपिंग चार्जेस यानी बैंक चार्जेस से रिलेटेड एक एंट्री है, दूसरी एनुअल कार्ड फीस जो बैंक स्टेटमेंट में है हमारी बुक में नहीं है। तो इन दोनों ट्रांजेक्शन का वाउचर हमें अपनी बुक में क्रिएट करना होगा और उसके लिए हमें प्रेस करना है ओल्ड के साथ जे, क्रिएट वाउचर, बैंक चार्जेस, डेट है 25th मार्च, 649 रुपीज़, बैंक अकाउंट ई फंड ट्रांसफ़र, नरेशन में हम डाल देते हैं सी ए कीपिंग चार्जेस, और एक ट्रांजेक्शन है एनुअल कार्ड फीस का वो भी हमारी बुक में नहीं है, तो उसके लिए भी हम नया वाउचर क्रिएट करेंगे, इसका अमाउंट है 259.60 पैसा, ई फंड ट्रांसफ़र मोड रहेगा ट्रांजेक्शन का, नरेशन में हम डाल देते हैं एनुअल कार्ड फीस। दोनों ट्रांजेक्शन हमने पोस्ट कर दिए, अब फिर से हमें रिकनसाइल करना है अनलिंक्ड ट्रांजेक्शन को, तो ऑल्टर के साथ आर प्रेस करना है। अब ये दोनों ट्रांजेक्शन हमारी बुक में भी है और बैंक स्टेटमेंट भी है, तो आपको एंटर प्रेस करना है, रिकनसाइल सक्सेसफुली, रिकनसाइल सक्सेसफुली। अब ये जो चार ट्रांजेक्शन आपको दिख रहे हैं ये फिर से वो ट्रांजेक्शन है जो हमारे बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, तो इनके बारे में मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि किस तरह से हमें ओपनिंग बीआरएस को तैयार करना है। इस क्लास में जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट था कि हमारी जो बुक का बैलेंस है वो हमारे बैंक बैलेंस से मैच करना चाहिए, तो बैंक में लास्ट जो बैलेंस है 12,325.52 वो बैलेंस यहाँ पर मैच कर रहा है, बैलेंस एज पर बैंक 12,325.52, और डिफरेंस किस कारण से है, इन चार ट्रांजेक्शन की वजह से डिफरेंस आ रहा है, और इनको रेक्टिफाई करने के लिए मैंने बताया आपको ओपनिंग बीआरएस तैयार करना होगा। तो इस तरह से आप बैंक स्टेटमेंट को इम्पोर्ट करते हुए डायरेक्टली रिकनसाइल कर सकते हैं। अभी हमें वो सारी एंट्रीज देखनी है जो ऑलरेडी हमने रिकनसाइल कर दी है, तो बेसिस ऑफ वैल्यू कंट्रोल बी आप प्रेस कीजिएगा, सेकंड ऑप्शन इंक्लूड रिकनसाइल ट्रांजेक्शन इस ऑप्शन को यस कीजिएगा, कंट्रोल ए से इन्हें सेव कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि सारे वो ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो पहले से हमने रिकनसाइल कर दिए हैं। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को ऑटोमेटिकली तैयार कर सकते हैं। यदि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।